हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी शिवा। एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स फिक्सिंग योर चाइल्ड कार सीट इन योर कार इन योर आइसोफिक्स माउंटिंग। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड सेफ्टी टू प्रॉपरली माउंट योर कार सीट ऑन योर व्हीकल। सो जब मैंने ये कार खरीदी तो मैंने देखा कि इसमें आइसोफिक्स माउंटिंग सीट्स हैं, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आइसोफिक्स माउंटिंग सीट फॉर माई कार। मैं स्टोर टू स्टोर गया, मेरी सिटी गुड़गांव है एंड यू नो एवरी यू कैन फाइंड एवरी थिंग इन गुरुग्राम। सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड दिस सीट। बेसिकली आई कुडंट फाइंड इट एनी वेयर इन गुड़गांव, सो आई हैड टू गो एंड बाई इट ऑनलाइन। इट्स फ्रॉम लव लैब एज यू कैन सी, एंड इट्स एन आइसोफिक्स कार सीट, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। तो गाइज, ये जो चीज़ है इसके अंदर ये आइसोफिक्स है, और दिस सीट इट्सेल्फ इज़ क्वाइट हैवी एज यू कैन सी। अगर आप देख सकते हो तो ये अच्छी हैवी सीट है, और इट मस्ट बी लाइक अराउंड 10 kgs और समथिंग, बिकॉज इट्स प्रीटी टफ टू लिफ्ट इट अप, एंड मस्ट बी 10-15 kgs, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर कार चाइल्ड सेफ्टी। सो आज मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिमूव करना है, और उसके अलावा आइसोफिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आपको एक आइसोफिक्स कार सीट लेनी चाहिए, क्यों आपको आइसोफिक्स कार सीट नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आज आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एंड कीप ट्यूनिंग टू माय वीडियो, कीप वॉचिंग। आई एम ब्रिंगिंग अ लॉट मोर कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू एंड योर फैमिली, सो फॉलो मी। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो, ये आइसोफिक्स जो है यहाँ पर जो है कंपनी ने दे रखा है आइसोफिक्स सिस्टम। तो आइसोफिक्स सिस्टम के लिए सबसे पहले तो आपको जो चीज़ सेट करनी है वो है ये लोहे के हुक्स, जो कि सीट में नेचुरली दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोहे के हुक्स है, इसी के अंदर जो है आइसोफिक्स जो है माउंटिंग होती है। इसके बगैर आप आइसोफिक्स को माउंट नहीं कर सकते। तो अगर आप एक कार सीट खरीदते हैं जिसमें आइसोफिक्स माउंटिंग नहीं है आपकी कार में, तो आप उसे फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। ओनली विद सीट बेल्ट आप उसको फिक्स कर पाएंगे। इस वाली सीट में कोई सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो पीछे की तरफ है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर टॉप टेथर है, इसको आपको फिट करना है, और इन दोनों से क्या हो जाएगा, आपकी जो है सीट जो है फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा आपको सीट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कार सीट के अंदर ही सीट बेल्ट्स हैं। तो आपको आइसोफिक्स के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपकी गाड़ी में ये है कि नहीं है। तो गाइस, उस वाली सीट में आपको शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर लगा हुआ था पहले ही कार सीट, तो ये आप देख सकते हो कि कितना क्लीनली दिख रहा है यहाँ पर लगाने के लिए। हाँ, तो जैसे ये देख सकते हो, ये दो आइसोफिक्स कार सीट हैं मेरे रेयर सीट में, तो दोनों में जो है आप जो है फिक्स कर सकते हो, दो कार चाइल्ड सीट आइसोफिक्स। अदर देन दिस, आपको अगर पीछे फिट करनी है तो आपको सीट बेल्ट वाली करनी पड़ेगी। ये दो माउंट है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फिट होगी अब। तो गाइस, ये दो माउंट्स हैं जो कि आपको, जिसके अंदर से ये जो चीज़ है आपको क्रॉस करनी है, इसको ऐसे करके आपको क्रॉस करना है। तो सबसे पहले ये माउंट जो है ये पर आपको फिक्स करने पड़ेंगे। ये माउंट जैसे कि आप देख सकते हो ये रोड के बीच में लगाने के लिए हैं। तो जस्ट आपको ये माउंट जो है ऐसे करके फिक्स करने हैं। आप देखोगे तो ये जो है स्टिक को पकड़ लेंगे अंदर की तरफ से, ठीक है। एक माउंट मैंने यहाँ लगाया, ऐसे ही करके मैंने एक माउंट, जो दूसरा माउंट है उसको मैंने यहाँ लगाया। इस माउंट में लिखा हुआ भी होगा अप, तो आपको ये देखना है कि किस तरफ अप लिखा हुआ है, और आपको ये वाला माउंट भी जो है यहाँ पर लगाना है। तो जैसा कि आप इसके अंदर जो है अब जगह बन गई है आपकी कार सीट को माउंट करने की, क्लियरली कि आपको किस जगह पर जो है ये फिक्स करना है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि ये थोड़ा सा जो है कपड़ा जो है अच्छी तरीके से, आपको पूरा का पूरा जो माउंट है वो दिखे। सो गाइज, नाउ टू फिट योर कार चाइल्ड सीट यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड यू जस्ट हैव टू टेक दिस। जब आप इसको अंदर लगाओगे तो एक क्लिक की साउंड आएगी, इस तरफ तो आ गई है, उस तरफ से नहीं आई है, उस तरफ से भी क्लिक की साउंड नहीं आई है। तो गाइज, ये माउंट हो गई है सीट, जस्ट इसी तरीके से करना है। बट आपको एक ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ये ग्रीन सिग्नल दिखाना चाहिए। अगर ये रेड दिखाया है तो इसका मतलब और स्कोप है,
अब जैसे कि आप देख सकते हो ये कार सीट माउंट हो चुकी है दोनों तरफ से, इसने ग्रीन दिखा दिया मेरे को। तो इसको मेरा टाइट करने का टाइम आ गया। जस्ट इसको मेरे को टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टाइट है यहाँ से, अगर ये ग्रीन सिग्नल दिखा दिया तो ये टाइट है, फुल्ली टाइट है ये। तो गाइज ये जो है मैंने पीछे की अभी माउंटिंग नहीं करी है, जस्ट मैंने आइसोफिक्स माउंट करी है। और आप देख सकते हो कि ये कार सीट ऐसे ऐसे हिल रही है पर ये निकलेगी नहीं, अगर मैं पूरा जोर भी लगाऊं तो ये नहीं निकलेगी। कार सीट में दोनों तरफ से सपोर्ट है, इधर से एक्सीडेंट हो चाहे इधर से हो, किसी भी तरफ कार सीट लगी हो तो आपकी कार सीट जो है अच्छे से लगी रहेगी। अगर आप देख सकते हो तो ये बिना पीछे की माउंटिंग के भी हिल नहीं रही है, बाहर नहीं आ रही है अगर मैं इसे जोर भी लगा रहा हूँ तो। नेक्स्ट जो है मैं पीछे इसे माउंट करना चाहता हूँ, तो इसके अगर आपको पीछे माउंट करनी है तो आपको ये जो है आपके जो हेडरेस्ट है इसको निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये मैंने हेडरेस्ट को निकाल दिया है। अब जो है मेरे पास जो सीट है ये प्रॉपर जो है चाइल्ड सीट से लग गई है। अब जस्ट मेरे को इसको पीछे माउंट करना है, तो पीछे माउंट करने के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि ये क्लिप है, ये पीछे मैंने क्या करा इसको जो है यहाँ से लूज़ करा बक्कल को, ये बटन है इसमें, मैंने इसको लूज़ करा, लूज़ करके मैंने इसको थोड़ा लंबा करा, मैंने ये कार सीट में यहाँ पर माउंट करा जैसे कि आप देख सकते हो, और मैंने इसको पुल करा। जब आप इसे पुल करोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल है वो दिखाएगा, तब तक आपको इसको पुल करते रहना है। इस तरीके से जो है ये जो है जैसे कि आप पुल करोगे तो इसमें ग्रीन सिग्नल आ जाएगा और ये आपकी जो है फुल टाइट हो जाएगी सीट। अब गाइस टू पुट द कार सीट यू नीड टू पुट योर बेबी लाइक दिस एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट द आर्म्स अराउंड हियर। माय बेबी विल क्राई बिकॉज शी डोंट लाइक द कार सीट सो मच बिकॉज इट मेक्स यू नो देम अ लिटिल लेस फ्री एंड देन यू नीड टू पुट द अदर हैंड हेयर स्लोली। I am just giving this for you know to make her sit so to show you guys okay. When you put both the straps then you need to find the buckle that is below. After you find the buckle you need to put the buckle together like this, and when you put that together like this then you need to hold on to this and you need to strap it. This is locked now. She is comfortably here. She will not move like this or this when the car moves. It's just to demonstrate you guys how it really works. And after that, if I show you closely, this is how it looks. So this is the buckle. This is how the straps made. This is to tight. If you want to tight the buckle, you need to pull like this. You need to pull like this, and you need to buckle up from here so it will tight and it will go inside. And if you want to loosen this, there is one button here, you need to press this button and then you need to slowly pull this out. तो गाइज मैंने पीछे से भी माउंट कर दिए, नीचे से भी माउंट कर दिए, अब इसमें सीट बेल्ट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बिना सीट बेल्ट के भी अगर आप देखोगे तो ये जो सीट है ये कहीं नहीं जाएगी। और ये ऑब्वियसली एक वजन के लिए बनी हुई है, फॉर एग्जांपल 20 kg, अगर मैं इस पर 40 kg का प्रेशर लगाऊंगा तो हिलेगी, हल्की सी साउंड करेगी, बट ये कहीं जाएगी नहीं। कि इंडिया में एक जो ट्रेंड नहीं है चाइल्ड सीट लगाने का जो कि बहुत गलत है, तो मैं आज उसके बारे में बात करना जा रहा हूँ। और मैं बताना जा रहा हूँ कि कौन सी चाइल्ड सीट आपको अपनी कार में लगवानी चाहिए, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है कार सीट के लिए, और क्यों चाइल्ड कार सीट नेसेसरी है आपकी गाड़ी में, क्या इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या लॉ है रिलेटेड टू चाइल्ड कार सीट्स। तो इन सब बारे में मैं बात करूँ, और मैं आपको ये जो सीट है इसको रिमूव करके और मैं आपको साइड वाली सीट में लगा के दिखाऊंगा। एंड एवरीथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज अबाउट आइसोफिक्स कार सीट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन कार सीट विच इज़ ओनली डन बाय सीट बेल्ट, मैं खाली उस कार सीट की बात करूंगा जो कि आइसोफिक्स है, जिसमें आइसोफिक्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहली बात, आपकी गाड़ी में भी आइसोफिक्स होना चाहिए और आपकी सीट में भी आइसोफिक्स होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में आइसोफिक्स सीट नहीं है, चाइल्ड सीट माउंटिंग नहीं है, तो आप अपनी ये जो चाइल्ड सीट है उसको आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। एंड सेम अगर आपके सीट में आइसोफिक्स बकल्स नहीं है तो भी आप इस चीज़ को फिट
नहीं कर सकते। तो आपको दोनों ही चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आइसोफिक्स चाहिए। आइसोफिक्स इज़ द न्यू स्टैंडर्ड अक्रॉस US एंड यूरोप। दिस मेक्स चाइल्ड वेरी सेफ इन देयर कार सीट। और जो मोस्ट ऑफ द क्रैश टेस्ट जो आप सेफ्टी रेटिंग देखते हो उसमें भी ये कार सीट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बात करोगे इंडिया सेफेस्ट कार, दैट इज़ टाटा नेक्सॉन, और मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ ये सुजुकी अर्टिगा की, तो आई वुड बी टेलिंग यू दैट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन बोथ द कार्स रेटेड सेम, दैट इज़ 3 stars। बट टाटा नेक्सॉन जो है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 star रेट करती है, जहाँ की आपकी अर्टिगा जो है वो 3 star रेट करती है इन एडल्ट ऑक्यूपेंसी। बट इन चाइल्ड ऑक्यूपेंसी बोथ द कार हैव डन द सिमिलर टेस्टिंग एंड बोथ द कार्स आर 3 stars। दो उन्होंने 1 star और बढ़ा लिया नेक्सॉन ने, बट नेक्सॉन के अलावा जितनी भी इंडियंस कार हैं सब के सब जो है 3 star ही रेट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बटन है, इसको आपको ओपन करना है। तो ये जो है आइसोफिक्स जो है ये चीज़ जो है आपकी मूव करती है यहाँ से यहाँ तक। और आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगे कि यहाँ पर कहाँ पर ये जा रही है। तो मैंने ये यहाँ से रिमूव करा, सिमिलरली ऐसा एक पैनल यहाँ पर भी है, मैंने उसको दबाया। और ये आपकी कार सीट जो है ये हो गई फ्री। तो इट्स दैट सिंपल टू रिमूव योर कार सीट। एंड जब इसकी स्टर्डीनेस आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल भी हिलती नहीं है, बिकॉज अभी मैंने रिमूव कर दिया है। तो अभी मैं लगा के दोबारा से आपको दिखाऊंगा। मैंने जस्ट ये करा, मैंने ये रिमूव करी यहाँ से। तो गाइस, रिमूव करने के लिए ये इसमें टेथर हुक है, ये आपको जो है टाइट करना पड़ता है। जस्ट आप सीट को हल्का सा रिक्लाइन करेंगे, तो अभी तो ये यहाँ थी तो इसलिए ये जो है बिल्कुल टाइट था, लेकिन अगर मैं सीट को हल्का सा फोल्ड करूँ तो ये टेथर हुक जो है अपने आप ही निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस टेथर हुक को निकालना है और ये आपकी चाइल्ड सीट जो है पूरी की पूरी तरीके से निकल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये आइसोफिक्स हैं। अगर आपकी सीट में ये नहीं है तो आप आइसोफिक्स नहीं कर सकते माउंट। और ऑब्वियसली ये मेरे को बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिली ये चीज़ ऑनलाइन, ये लवलैब ब्रांड की है। और ऑब्वियसली आइसोफिक्स जो कार सीट होगी ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट करेगी आपके नॉर्मल कार सीट से। सो मेक श्योर दैट यू आर बाइंग दिस फॉर योर चाइल्ड इफ यू हैव एन आइसोफिक्स कार सीट इन योर कार। तो आपको यही बाय करना है, आपको दूसरी चीज़ बाय नहीं करनी। यही जो चीज़ है ये सीट के साथ जुड़ जाती है और पीछे से आपको टेथर हुक करना है, एंड दैट सेट आपकी जो सीट है एकदम लाजवाब तरीके से जो है सीट पे चिपक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, स्टर्डी रहेगी। टर्न्स, पॉट होल्स, एनी वेयर ये जो है जरा सी भी मूव नहीं करेगी। गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव टू यू एंड हाउ टू यूज़ अ कार सीट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड सेफ्टी। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन। इफ यू हैव जस्ट पुट द बेल आइकन। इफ यू हैव डन द बेल आइकन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली whosoever must be interested in this topic, and the comment box is right below. If you need to send me any suggestions for making video, you can just drop your comment there with the suggestion what would you like to see more on my channel. And thanks for watching my video, means a lot. Thank you.